लद्दाख बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेना लगातार बातचीत कर रही है। बॉर्डर पर अब सैनिकों के पीछे हटाने का काम भी जारी है, परंतु ये इतना आसान नहीं लग रहा क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से चीनी सेना के पीछे हटने से इनकार करने के बाद विवाद और गर्माता दिख रहा है। तो दोस्तों, गलवान से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक दोनों देशों की सेनाओं की क्या स्थिति है, चीनी सेना अभी भारतीय सीमा में कितना अंदर है और राजनाथ सिंह के आज के LAC दौरे पर क्या हुआ, इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि LAC की पूरी स्थिति आपको पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि भारत की दुनिया में बढ़ते कदम की सभी खबरें आपको मिलती रहे। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए इसे सुलझाने में लगी हुई है। बीते दिनों शुरू हुई सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया अब भी जारी है। इस बीच पेंगोंग झील, जो कि तनाव वाली मुख्य जगहों में शामिल है, वहां पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जबकि पहाड़ी वाले इलाके में अभी सिर्फ 1 किलोमीटर की ही दूरी है। ऐसे में अभी साफ है कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फिंगर 4 इलाके में चीनी अभी भी है, जहाँ पर भारत अपना दावा करता है। बता दे कि इससे पहले भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था, लेकिन चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए हैं, जिससे अब भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है, उसे फिंगर 4 में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर पेंगोंग झील इलाके से अलग देखें तो हॉट स्प्रिंग इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। दोनों ओर अभी भी 40 से 50 सैनिक तैनात हैं, जबकि इनमें सिर्फ 600 से 800 मीटर की ही दूरी है। सूत्रों के अनुसार गलवान इलाके में चीनी सेना 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है और मौजूदा दूरी करीब 3 किलोमीटर तक हो गई है। वहीं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 वो इलाका है जहां पर भी चीनी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। हालांकि यहां से अब चीनी सेना 10 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई भिड़ंत में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन ने आंकड़ा ही जारी नहीं किया था। सूत्रों के अनुसार बीते दिनों हुई बातचीत के आधार पर अभी बॉर्डर से सटे इलाकों में सैनिकों को पीछे किया जा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरी तरह से सैनिक पीछे हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बीच आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुँचे हैं। वो इस दौरे पर LAC और LOC दोनों इलाकों में जाएंगे। लेह के लुकुंग चौकी पर पहुँचे राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए। कहाँ तक हल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूँ कि भारत की एक इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है, मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवान ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।